हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट। इसकी हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी। तो यूनिट थर्ड का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम स्टडी करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो ये जो सिस्टम है, हमारे जो सिस्टम काउंट हम करते हैं उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में दे रखा है, तो इसकी स्टडी हमें करनी है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, क्योंकि हमारे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हैं चैनल पे। मैं एक बार एचएपी आपको कंप्लीट करवा दूं, देन सभी की प्लेलिस्ट आपको रिवाइज करवाऊंगा। सभी प्लेलिस्ट अच्छे से तैयार की गई है अच्छे से, तो उस चीज को आप देख लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, तो उस प्लेलिस्ट से आपको अदर सब्जेक्ट भी कवर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम है। ये बेसिकली इसका रिलेशन होता है ब्लड से, ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम से। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन देखिए इसका। द लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फोइड सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स दैट इज पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। जो अपने वर्टेब्रा कॉलम्स होते हैं, बैकबोन होती है, उसके अंदर बेसिकली ये प्रजेंट होता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन है बेसिकली कहाँ से होता है, वर्टेब्रा कॉलम से। तो इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नेटवर्क ऑफ, अब इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फ होता है, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, लिम्फ नोड होती है, लिम्फेटिक और लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, और लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। किसके अंदर? लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो अदर बॉडी ऑर्गन्स है वो भी इसको सपोर्ट करते हैं, वो कौन कौन से हैं? सर्वल अदर ऑर्गन कॉन्ट्रीब्यूट द लिम्फेटिक फंक्शंस। फर्स्ट है स्प्लीन, थाइमस और टोन्सिल। स्प्लीन, थाइमस और टोन्सिल, तो इन सभी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। स्प्लीन क्या होता है, थाइमस क्या होता है, टोन्सिल्स क्या होता है। तो फर्स्ट देख लेते हैं स्प्लीन। स्प्लीन का क्या काम होता है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर? ये ब्लड को फिल्टर करता है, डिस्ट्रॉय वॉर्म आउट ब्लड सेल्स, फॉर्म ब्लड सेल्स इन द फिटस, फिटस के अंदर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है, एक्ट एज ब्लड रिजर्वायर के रूप में काम करता है, ब्लड का स्टोरेज करता है। तो ये वर्क हो गया स्प्लीन का। अब थाइमस, थाइमस आप सभी को पता है कि ये बेसिकली चाइल्डहुड के अंदर ही एक्टिवेट होती है, एंड एडल्टहुड में ये अपने आप को अपना फंक्शंस कम कर देती है। फंक्शंस एट पीक लेवल ओनली ड्यूरिंग चाइल्डहुड, प्रोड्यूस ह्यूमन थाइमोसिन टू प्रोग्रेस लिम्फोसाइट। ये हार्मोन रिलीज करती है थाइमोसिन, जो क्या करता है, लिम्फोसाइट्स के फॉर्मेशंस में हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन। लास्ट है टोन्सिल। टोन्सिल का क्या काम है? स्मॉल क्या होते हैं बेसिकली, स्मॉल मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू आर अराउंड द फेरिंग्स। जो हमारा फेरिंग्स होता है उसके अराउंड स्मॉल अमाउंट में लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं? ट्रेप एंड रिमूव बैक्टीरिया एंड अदर फॉरिजन मटेरियल। कोई भी बैक्टीरिया होता है या कोई फॉरिजन मटेरियल होता है उसको ट्रेप कर लेते हैं वहीं के वहीं, और या उसको रिमूव कर देते हैं। एक डिजीज होती है टोन्सिलाइटिस। टोन्सिलाइटिस मतलब बेसिकली आपको लगता है कि हमें जुकाम लग रहा है, उसकी वजह से गले में टोन्सिल्स फूल रहे हैं या टोन्सिल्स में स्वेलिंग आ रही है, तो उसको बोलते हैं टोन्सिलाइसिस। इट इज कंजेशन विद बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के कारण होता है जो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन वो उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है, तो उसके कारण यहाँ पे कंजेशन होता है, और अपने जब पानी वानी पीते हैं तो प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक खाते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, तो वो इसी के लिए खाते हैं टोन्सिलाइटिस के। अब बात कर लेते हैं लिम्फ की। तो लिम्फ, जैसे कि हमारा ब्लड होता है ब्लड, वैसे ही होता है लिम्फ। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ब्लड आ रहा है, धीरे धीरे ब्लड बंद हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, व्हाइट व्हाइट पस सा निकलेगा, येलो येलो इस कलर में, तो वो होता है हमारा लिम्फ, जो बेसिकली ब्लड वेसल्स में ही प्रेजेंट होता है स्मॉल अमाउंट में। आफ्टर ब्लड ट्रेवल थ्रू कैपिलरी बेड्स एंड इज मूव टू वेनस सिस्टम, सम ऑफ इट्स फ्लूड इज लेफ्ट बिहाइंड द टिश्यू इज कॉल्ड लिम्फ टिश्यू, लिम्फ फ्लूड।
वही होता है जो व्हाइट व्हाइट पस सा निकलता है आफ्टर देन ब्लड। तो जैसे आपके कोई फुंसी हो गई है तो उसके अंदर से व्हाइट व्हाइट सा पानी निकलता है ब्लड के अलावा, तो उसको बोलते हैं लिम्फ, लिम्फ फ्लू। लिम्फ इज ए क्लियर कलरलेस लिक्विड विथ ए कंपोजिशन सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में जो कंपोजिशन होते हैं वही कंपोजिशन इसके अंदर होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन इसके अंदर होता है, प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, WBC इसके अंदर बेसिकली प्रेजेंट होती हैं। ये एंड में निकलता है जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको जो हमारी WBC है वो किल कर सके। ब्लड के अंदर इतना नहीं होता है। बाकी लिम्फ नोड, लिम्फ नोड क्या होती है वो देखिए, मेन जो काम होगा इसका ही होगा। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी अलोंग विथ लिम्फेटिक पाथवेज। ये कंप्लीट बॉडी के अंदर फैली हुई होती है। लिम्फ नोड आर नॉट प्रेजेंट इन द CNS, बेसिकली ब्रेन के अंदर, CNS के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा उसके अंदर बेसिकली ये प्रेजेंट नहीं होती है। कंपोज ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, क्योंकि लिम्फ नोड है तो लिम्फोइड टिश्यू तो होंगे ही, लिम्फ नोड से ही मिलकर बने हुए हैं। फंक्शंस क्या हैं इसके, फिल्टर द लिम्फ बिफोर इट्स रिटर्न टू द ब्लड। ब्लड में जाने से पहले लिम्फ को फिल्टर करेगा लिम्फ नोड। प्रिवेंटिंग फोरिजन पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम के अंदर कोई फोरिजन पार्टिकल नहीं जाना चाहिए, उसको कौन रोकता है, लिम्फ नोड। दे आल्सो प्रोड्यूस लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है। ये एक लिम्फ नोड का डायग्राम है, बहुत ही सिंपल है। ये एक सेल सी बनानी है, एक अंदर सेल बनानी है, इसके अंदर फोलिकल्स प्रेजेंट है, मेडुला है, दो वेसल्स होंगी इसके अंदर, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल और इफरेंट लिम्फेटिक वेसल। ये हीलियम हो गया और एक ट्रेबिकुला इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बहुत इजी स्ट्रक्चर है। बाकी अगर इतना आपने स्टडी कर लिया तो एग्जाम में काफी है आपको 5 मार्क्स के लिए, क्योंकि 10 मार्क्स में क्वेश्चन बेसिकली नहीं पूछा जाने वाला है। तो बस यूनिट 3 हमारी कंप्लीट हो गई है, अब यूनिट 2 यूनिट्स और रह गई है हमारी। उसके बाद हम जो सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स रह गए हैं वो कवर करेंगे। बाकी जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर वो कंप्लीट है, उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा 1-2 दिन में। आप जरूर देखना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के ऑलरेडी अच्छे से अच्छे मैंने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, समझ में भी आएगा। तो इस सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करवाते हैं जल्द ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।